साथियों, मैं DHF से फैजान अपनी बात करने आया हूँ। साथियों, जब हम देखे आज सुबह के किस तरह के फोटोज़ और वीडियोस हमारे सामने आ रहे थे, तो हमारे सामने हमें ये सोचने की ज़रूरत है, इससे सवाल रखने की ज़रूरत है कि कौन थे वो लोग जिनके हाथों में पिस्टल, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी, जिनके हाथों में लाठियाँ थी, पत्थर थे। क्या वो फिर से दिल्ली पुलिस ये कहेगी कि वही अनआइडेंटिफाइड पीपल है जो एक मॉब जो इस देश में हर एक जगह में मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा करके वहाँ दंगे भड़काती है। साथियों, हमने देखा कि जहांगीरपुरी में जहाँ पे एक तरफ एक मस्जिद का गेट तोड़ा जाता है, जहाँ पे लोगों के घरों को तोड़ा जाता है, उनकी दुकानों को डिमोलिश किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ महज 50 से 100 मीटर की दूरी पे देखेंगे कि एक मंदिर भी है और वहाँ पर उस मंदिर को गार्ड देने के लिए पुलिस, दिल्ली पुलिस तैनात है। उस मंदिर पर एक रोज भी नहीं आता है। तो क्या इस देश का जो कानून व्यवस्था है वो सिर्फ इसीलिए है कि इस यहाँ के मुसलमानों को तंग किया जाए, उनके घरों को तोड़ा जाए? साथियों, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में, लेकिन इन फासिस्ट सरकारों को शर्म नहीं आती यहाँ की बस्तियों को जलाने में। साथियों, हम देख चुके हैं कि ये चीज़ जो शुरू हो रही है ये आज से शुरू नहीं हुई है, ये बहुत पहले से शुरू हुई है। 92 में किस तरह से बाबरी को डेमोलिश किया गया, उसके बाद अलग अलग जगहों पे यहाँ के जो मंदिर, मस्जिद हो, शरीन हो या फिर अलग मुसलमानों के जो पवित्र स्थल हो, उन पे अगवाकरण करने की कोशिश की गई है। हमने राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और कर्नाटक में भी देखा, यूपी में आए दिन ये चीज़ होता आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है। ये नहीं कि मुसलमान अगर चैन से रह रहे हैं तो उन्हें रहने दिया जाए, उन्हें कभी गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कभी तंग किया जा रहा है, कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पे मारा जा रहा है, तो कभी उनके टोपी की वजह से मारा जा रहा है, तो कभी पहनावे की वजह से मारा जा रहा है। शेम साथियों के, ये उनका एक मंसूबा है, उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, ये उनके तरफ अपना कदम बढ़ाने की कोशिश। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें यहीं के बीजेपी, RSS, BSP, उनके जो लोग हैं, उनके जो लाइज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाउड स्पीकर में अजान नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि खुलेआम यहाँ के मुस्लिम समाज को लाउड स्पीकर में धमकी दिया जा रहा है। वह कह रहे हैं कि उनकी जो महिला है उनको रेप किया जाए, उन्हें मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको ऐसे पब्लिकली बोला जाना भी उचित नहीं है। साथियों, हम देख रहे हैं उसके बाद कि सिर्फ ये जो रामनवमी हुई और जो जहांगीरपुरी में जिस वजह से ये कांड हुआ, ये एक नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। ये उनकी कोशिश है कि किस तरह से यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको एक दूसरा मतलब द्वम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। साथ ही उसके बाद बात यह आती है कि अभी अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी लगभग 2 घंटे तक वहाँ पे बुलडोजर चलाए गए हैं। वहाँ पे लोग देखिए उनके मकान को किस तरह तोड़ा गया है। वो ऐसे लोग नहीं है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ है, वो ऐसे लोग हैं जो आए दिन अपने कमाते हैं, अपना खाता है। और ये सिर्फ उनके घरों को तोड़ा नहीं गया है, उनके सपने को तोड़ा गया है, उनका जो आए दिन का रोज़गार है ये उन पर हमला है। और इस देश में जो अमन और शांति बनाए रखने का जो जज्बा है हमारा, ये उस पर हमला है। साथियों, हमें ज़रूरत है इस वक्त के जितने भी हमारे साथी हैं जो इस फासिस्ट सरकार से लड़ने की ताकत रखते हैं, हमें इकट्ठा आने की ज़रूरत है ताकि हम इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ सकें। हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहना हमारा जो आगे है, हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे। हम यहाँ से निकलकर दिल्ली के हर एक जगह में हर एक आदमी को, जो कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सोच रहे हैं कि चलो उन्हें किया गया तो हमारे पे अभी तो नहीं आया, तो वही है कि जब आप पे बारी आएगी तो आपके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। साथियों, इन तमाम बातों के साथ मैं बात करना चाहूँगा। जय भीम, लाल सलाम।